अररिया में कोरोना से संबंधित एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पूरे देश में कोरोना का कहर है। हर दिन कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। अररिया जिला में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस बीच अररिया से एक ऐसी खबर आई है जिसे जानकर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्या आपने कभी सुना है कि बिना सैंपल लिए किसी का कोरोना जांच किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा ही एक मामला अररिया में देखने को मिल रहा है, जहां सदर अस्पताल के द्वारा एक युवक का सैंपल लिए बिना ही उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया गया है। यह आरोप खुद उस युवक ने लगाया है। युवक का कहना है कि वह सदर अस्पताल कोरोना का टेस्ट करवाने गया था, लेकिन सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवक का सैंपल नहीं लिया गया। युवक को बताया गया कि कोरोना जांच की किट खत्म हो गई है और यह कहकर उसे दूसरे दिन आने को कहा, जिसके बाद युवक वापस अपने घर चला गया। तीसरे दिन युवक को अस्पताल प्रशासन के द्वारा कॉल कर जानकारी दी गई कि आपका कोरोना टेस्ट किया गया था जो पॉजिटिव निकला है और आप जल्द से जल्द फारबिसगंज के आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हो जाएं। वहीं युवक का कहना है कि उसने कोई भी सैंपल दिया ही नहीं है, तो उसका कोरोना पॉजिटिव कैसे निकल गया? जांच नहीं हुआ तो फिर कैसे यहाँ पे, कैसे क्या हुआ? सर देखिए, मेरा अभी तक जांच भी नहीं हुआ है और हम जब जांच करवाने के लिए अररिया गए थे तो वहाँ पे मेरा नाम वाम सारा कुछ एंट्री हो गया था, सब कुछ ओके हुआ था। जब जांच करने का टाइम आया तो जो पैब होता है, जो मतलब केमिकल होता है जिससे जांच करता है, वो चीज उसका खत्म हो गया था। तो डॉक्टर हमें बताया कि आप ऐसे कीजिए, घर चले जाइए, आज नहीं है, सामान खत्म हो गया, कल को आइएगा। तो हम लोग फिर भी 2 घंटा वहाँ पे रुके, 2 घंटा के बावजूद भी नहीं हुआ तो हम लोग घर चले आए। हम 2 आदमी से थे तो हम लोग घर चले आए। तो दूसरा दिन सोचे जाएंगे तो बारिश बहुत जोर का होने लग गया, हम नहीं गए। तीसरा दिन जाने का प्रोग्राम बना तो हम कुर्सटा ही चले गए। तो वहाँ से मेरा रिपोर्ट आ गया, मेरे मोबाइल में फ़ोन आया कि आपके नाम से पॉजिटिव आया है। फिर हम फोन पे बताएं कि जब हमारा चेक ही नहीं हुआ तो पॉजिटिव कैसे आ गया? तो बोल रहा नहीं, आपके नाम से आया है, आपको जो है जहाँ भी है अलर्ट रहिएगा, आपको लेने आएंगे। तो हम बोले ठीक है, ना हमको लेने आया ना कुछ आया। जब सुबह हुआ तो गांव वाले को सबको पता चल गया ऐसे ऐसे बात है। तो हम वहाँ से चले गए कुर्साकाटा हॉस्पिटल चेक करवाने के लिए। तो वहाँ जब चेक करवाने ले गए तो वहाँ से पता नहीं अररिया से किसका फोन आया नहीं आया, तो फलाना नाम का आदमी का जो है चेक नहीं कीजिएगा, उसका चेक हुआ है, पॉजिटिव आया हुआ है। जब उसको बोले तो हम हॉस्पिटल में हंगामा किए कि अगर पॉजिटिव है मुझे रिपोर्ट दिखाइए, मुझे ले चलिए जहाँ ले जाना है। तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, नहीं भाई आपको जाना होगा। तो किस पे जाएं? तो हम साइकिल लेके गए थे, बोल रहा साइकिल लेके ही फारबिसगंज चले जाओ, हम हॉस्पिटल का या जहाँ भी रहने का है क्वारंटाइन वहाँ का नाम बता देते हैं, आप वहाँ के रह लेना। वहाँ से हम बोले नहीं जाएंगे, हमको यहाँ पूरा रिपोर्ट बताइए, हमको लेके चलिए, हम अकेला कहाँ जाएंगे, पानी बारिश पूरा एकदम रोड में पानी चल रहा है। फिर भी हम साइकिल लेके यहाँ आए, हम सोचे हमको जब कुछ है ही नहीं तो जाने में क्या हुआ। फिर भी हम आए यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी को पूछ रहे हैं, डॉक्टर डॉक्टर को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, भाई तुम्हारे पास रिपोर्ट ही नहीं है, हम रखेंगे कैसे। फिर यहाँ से बात हुआ वहाँ कुर्साकाटा हॉस्पिटल, फिर वहाँ से पता नहीं क्या क्या बात हुआ। फिर मुझको बोला कि चलो तुम 2 दिन यहाँ पे रहो, उसके बाद भेज देंगे। हम फिर भी ये बात बोले, हमको कम से कम चेक कर लीजिए, उसके बाद रखिए, हम यहीं पे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको चेक नहीं किया, हम बिना चेक किए हुए क्वारंटाइन में अभी तक है। अच्छा, कब से यहाँ पे आप? हम कल को आए हैं 1 बजे, 20 तारीख को 1 बजे आए हैं। तो ये लापरवाही किसकी लग रही है आपको? लापरवाही डॉक्टर की है, जो चेक ही नहीं किया हमारा, फिर ये रिपोर्ट कैसे बना दिया? हम तो ये मान रहे हैं कि रिपोर्ट कैसे बना दिया। इस संदर्भ में अररिया सिविल सर्जन से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि युवक झूठ बोल रहा है। जब कुछ और सवाल किया गया तो इस मामले में सिविल सर्जन ने जांच की बात कही है। हेलो जी, नमस्कार सर, मेरा नाम मिराज खान है। सर एक अररिया से खबर आई है, कोई पेशेंट है सोनापुर कुर्साकांटा का, उसको कहा जा रहा है कि रिपोर्ट नहीं, सैंपल लिया नहीं किया था और रिपोर्ट पॉजिटिव बताया जा रहा है। बात है, झूठ बोल रहा है वो। अच्छा, क्या मामला है सर, कुछ जानकारी दे देंगे इस पर? अरे बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसका जो है तो रिपोर्ट नहीं, दोनों स्वाब उसका पॉजिटिव है। 200 स्वाब हम लोग लेते हैं जी, दोनों स्वाब उसका पॉजिटिव है। अच्छा, सैंपल लिया गया था। लेकिन युवक का जो कहना है, युवक का कहना है कि हम सैंपल देने गए थे लेकिन सैंपल लिया नहीं गया था, कहा गया था ये कि किट खत्म हो गया, नेक्स्ट डे आप आइए। अब ऐसा तभी होगा कि इस आदमी को वहां से निकलने दीजिए, समझे ना जी। और वो लैब टेक्नीशियन जो उसको बोला है
जी और डॉक्टर मोईन जो उसकी कंट्रोलिंग है और हम जी चार आदमी हम लोग एक साथ बैठेंगे तभी इसका पता चलेगा। इसे फोन पर तो जैसे मोईन सर बोले हैं निकाल करके हम देखते हैं कि पॉजिटिव निकला। तो सर ऐसा तो कराया जा सकता है कि उसका दोबारा से जांच सैंपल लिया जा सकता है फिर से? हाँ कहीं नहीं तो ले लेंगे। जैसे कि लड़का तो अभी इसका 5-3 दिन हुआ है, अभी 2-3 दिन में हमारा वहाँ टेस्टिंग शुरू भी होने वाला है फारबिसगंज में जी, तो वहीं से सब लेकर इसका हम टेस्ट कर लेंगे। तो ऐसे में सर अगर लापरवाही हो जाती है, अगर कोई बिना पॉजिटिव मरीज लापरवाही कर देखिए, लापरवाही नहीं हुआ है, लापरवाही तो अब तो देखिए अब यही ना आपको हम बताएं कि यह संभव कैसे है लापरवाही। अब जैसे कि हम यहाँ रिकॉर्ड में देख रहे हैं तो पॉजिटिव बता रहा है, नहीं पेशेंट जो है सर हम अभी रिकॉर्ड जी सर हम अभी देखिए मेरी बात क्या सुनिए ना, सैंपल का क्या समझता है, खून का जांच समझता होगा सैंपल है कि नाक से हम लोग स्वाब लेते हैं, उसे ठीक से पूछिए आप लोग कि तुमको नाक में कुछ घुसाया था। उसका कहना है सर जो लड़का है वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर फॉरबिसगंज से मैसेज आया है, जो लड़का है उसका कहना है कि हम जब गए तो कहा गया कि कीट आज खत्म हो तो गया आपका लाइन सुनिए, तो उसी समय उसको जाना ही नहीं चाहिए था फॉरबिसगंज गया क्यों वहीं पर करता कि जब मेरा जांच हुआ सुनिए ना जब मेरा जांच हुआ जाते नहीं हुआ तो हमको क्यों जाएंगे फॉरबिसगंज उसको कॉल उसको बोला चाहिए था कॉल किया गया था सर और कॉल पे कहा गया कॉल करेगा कॉल करेगा तो जब फॉरबिसगंज गया उस समय भी कहता कि हम को यहाँ क्यों लाए हैं मेरा जबकि जाते नहीं हुआ है उस समय भी वो बोल सकता था। ये बात लड़के का कहना है कि हमको जब कॉल आया कि हम पॉजिटिव है तो हम फिर कुर्साकांटा हॉस्पिटल गए, वहाँ कहा गया कि दोबारा जांच ले लीजिए, तो वहाँ भी दोबारा जांच नहीं लिया गया कि अगर दोबारा पॉजिटिव है तो दोबारा ले लीजिए, तो वहाँ से भी कहा गया कि नहीं पॉजिटिव है आपको जाना होगा। फिर लड़का को कहा गया कि आप जितना जल्दी हो सके फॉरबिसगंज आइसोलेशन सेंटर जाइए, तो लड़के को साइकिल से ही आइसोलेशन सेंटर फॉरबिसगंज भेजा गया, उसको कोई साधन भी नहीं दी गई, लड़का साइकिल से फॉरबिसगंज गया है और फॉरबिसगंज जाने का फिर वहाँ पे वो इसी मांग को रखा कि हमारा अगर पॉजिटिव है तो आप जांच कर लीजिए क्योंकि सैंपल मेरा लिया नहीं गया, तो वहाँ कहा गया नहीं तुम्हारा पॉजिटिव है तो वहीं लौट जाता ना वहाँ जाता अररिया हमसे मिलता, जब ऐसा प्रॉब्लम था तो आप आके सीएस ऑफिस में यहाँ पर बोलता कि सर मेरे साथ घटना घटित हो रही है। तो इसमें सर ऐसा तो किया जा सकता है ना कि दोबारा उसका सैंपल अगर कोई अगर बिना पॉजिटिव चला गया ठीक है, अगर बिना पॉजिटिव से चला गया तो दोबारा सैंपल लेकर उसकी जांच तो की जा सकती है ना, ऐसे ऐसी सूरत में क्या नाम है उसका हेलो ऐसी सूरत में सर कोई पॉजिटिव मरीज के बीच में अगर सामान्य लोगों को समझ रहे हैं सब बात समझ रहे हैं लेकिन उसी की है ना, वो यहाँ चला था कि हमको जब जाते में रहने हुए तो कैसे मुझे फॉरबिसगंज ले जाया जा रहा। कोसी आलोक के लिए अररिया से मेराज खान की रिपोर्ट।